प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजयाराजे सिंधिया को उनकी जयंती पर नमन किया। मोदी ने आज ट्विटर पर लिखा, जय राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। वे साहस और दूरदर्शिता का प्राप्य थी। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने पिछले मन की बात कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व के बारे में कई बातों को साझा किया। अमित शाह ने ट्वीट किया, पद और सत्ता के मोह से दूर राजमाता सिंधिया जी ने एक राष्ट्र सेवक के रूप में जीवन जीकर राजनीति में उच्च आदर्श स्थापित किए। अपना जीवन देश और संगठन की सेवा में समर्पित करने वाली राजमाता सिंधिया जी का आपातकाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जयंती पर उन्हें नमन। अमित शाह ने ट्विटर पर उनका एक चित्र भी साझा किया। उल्लेखनीय है कि विजयाराजे सिंधिया का जन्म 1919 में हुआ था और वे जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी में काफी सक्रिय रहीं। उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं।